प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के कालेर में घर में घुसकर दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना भिवंडी के कालेर इलाके के दुर्गा सोसाइटी में रहने वाले शिवराम देढ़े, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, कल दोपहर में शिवराम देढ़े की पत्नी मनीषा देढ़े घर में अकेली थी, तभी दो अज्ञात बदमाश घर में घुसकर मनीषा को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही नारपोली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मनीषा को थाने के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। हाँ, ये जो कालेर गांव में दुर्गेश पार्क के पीछे एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाली फैमिली है, शिवराम देडे और मनीषा देडे करके। शिवराम देडे जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सुबह आज वो 9:30 बजे घर से गए। घर में उनकी वाइफ थी मनीषा देडे, और 10:30 के दरमियान बाहर से दो लोग आए, और फिर उनका वो घर पे जाने के बाद वो महिला से जो है उनसे बातचीत हुई। दरमियान की इसमें उनकी झटापट शुरू हुई, तो बाहर उनका लड़का खड़ा था हंसल करके, ये देड़े फैमिली का, और वो और उसका दोस्त आया, फिर उनके साथ भी उसकी हाथापाई हुई। तो दरमियान एक फायर हुआ जो एक महिला को लगा, और दूसरा मिस फायर हुआ। तो ऐसा देख के फिर वो जो लोग है, दो जो लड़के थे आए हुए, वो भाग गए वहाँ से। तो इनका हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारा शुरू है। तो फिलहाल वो जो है अनकॉन्शियस है, वो जो महिला है मनीषा देड़े, और उसको थाना के माझीवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है।